संस्थापक 73 वर्षीय डॉक्टर किरण सेठ युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने हेतु कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर रही हैं। इस दौरान वे नागपुर पहुंचे हैं। किरण सेठ ने अपनी अखिल भारतीय एकल साइकिल यात्रा के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के 200 से अधिक जिलों से होकर गुजरेंगे। डॉक्टर सेठ ने इस यात्रा की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को कश्मीर से श्रीनगर तक की। वे इस यात्रा का समापन 31 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी में करेंगे। मैंने जैसे अभी बताया, हमारे इस साइकिल यात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो उद्देश्य यह है कि हम शरीर के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है साइकिलिंग, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी होती है साइकिलिंग, परंतु अगर आप एकांत में साइकिल करें तो फिर एक ध्यान भी बन जाता है, एक मेडिटेशन बन जाती है पूरी। तो मैं कोशिश करता हूँ एकांत में साइकिल करने के लिए, और सबको ये मैसेज दे रहा हूँ कि कोशिश करिए एकांत में साइकिल करने। अगर आप झुंड में भी करें तो बातें नहीं होनी चाहिए, एक लाइन में। तो ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, वो है ये स्पिकमेके, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। ये एक आंदोलन है जिसको हमने 45 साल पहले IIT दिल्ली में इसकी शुरुआत करी थी। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि हम हर एक बच्चे तक पहुँच पाएँ, 20 लाख इंस्टीट्यूशंस देश भर में, ये दूसरा उद्देश्य है। बहुत से हमें नए वॉलंटियर्स चाहिए, लीडर्स, वॉलंटियर्स नहीं, लीडर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके पास आया हूँ नागपुर। तीसरा उद्देश्य यह है कि हम थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी को भूल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा, और उनके जो उच्च विचार और साधारण जीवन। तो इसलिए मैंने क्या लिया है, एक साइकिल जो ली है वो बिल्कुल साधारण साइकिल है, उसमें कोई गियर नहीं है, उसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, उसमें कोई शॉकर नहीं है, और 3 जोड़ों कपड़ों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने की। इस यात्रा के मूल उद्देश्य है कि भारत की समग्र विरासत का उत्सव मनाना, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे पर्यावरण के लिए साइकिल चलाने को बढ़ावा देना, महात्मा गांधी के सादे विचार और उच्च विचार के संदेश का प्रचार प्रसार करना, स्पीक मेके युवा आंदोलन से भी और अधिक स्वयं सेवकों को जोड़ना है, ऐसा आयोजित पत्र परिषद के दौरान डॉक्टर किरण सेठ द्वारा बताया गया। NBC News के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।